हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जेईई मेन 2023 जनवरी अटेम्प्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आए थे जनवरी में, उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखो। ठीक है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 इंटू दिस 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 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तुमने बुक्स में ये किया होगा। ठीक है, और ये दिख जाता है सवाल, मतलब अगर तुमने प्रैक्टिस किया हुआ तो, और ये इजी प्रॉब्लम है, बन जाना चाहिए था। तो इसमें क्या करते हैं ना, एक्स प्लस 1/x को टी पुट करते हैं। अब जब तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब पुट कर दो ये इस इक्वेशन को टी के फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, इसको टी के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो 3x² प्लस 1/x² को लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 3t² माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टराइज भी हो रहा है। ठीक है, 3t + 1। ठीक, अच्छा यहाँ से t की दो वैल्यू है, एक 1 और एक -1/3। t अगर 1 है, इसका मतलब x प्लस 1/x क्या है, 1 है। इसका मतलब x² माइनस x प्लस 1 ये है। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो लेस देन 0 आएगा, मतलब यहाँ से कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, x बिलोंग टू 5। ठीक है, सेकेंड केस लेंगे जब टी इज इक्वल टू -1/3 होगा। तो इसका मतलब एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो हो जाएगा 3x² प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डी क्या है, लेस देन 0। तो यहाँ से भी कोई रियल एक्स नहीं आएगा, एक्स बिलोंग टू 5। तो इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे टी का दो वैल्यू आया ना, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 और -1/3। अच्छा, एक्स प्लस 1/x का ग्राफ तुमको आता है क्या, ये काफ़ी स्टैंडर्ड ग्राफ है और तुम्हें पता भी होना चाहिए, नहीं पता तो देख लो। इसका ग्राफ ऐसा जाता है, तो मैंने एक्सेस खींच दिया। ठीक है, तो मैंने एक्सेस खींच दिया, तो क्या होता है ना, इसका ग्राफ ऐसा जाता है, एक्स प्लस 1/x का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का ग्राफ ऐसा जाता है। ठीक है, अब इसी का आइडेंटिकल इमेज इधर जाएगा। ठीक, ये जो अपना लोकल मिनिमा है, ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे अटेन करता है और वैल्यू 2 देता है। सिमिलरली यहाँ पे -1 पे अटेन करता है और -2 पे। ठीक है, तब तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर एक्स प्लस 1/x 1 के बराबर हुआ तो 1 तो कहीं यहाँ है ना, तो जब तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे 1, तो ये तो कट ही नहीं करेगा ग्राफ को, मतलब कोई रियल रूट नहीं आएगा। ऑल्सो अगर एक्स प्लस 1/x माइनस 1/3 हुआ तो -1/3 तो कहीं यहाँ होगा, तो अगेन जब तुम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ग्राफ को ये कहीं कट नहीं करेगा, तो इसके नो रियल सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ग्राफ से तुम ऐसे देख सकते हो, और एलजेब्रिकली तो ऊपर मैंने दिखाया ही है डी डिस्क्रिमिनेंट को देख के। ठीक है, तो इसके ज़ीरो रियल सॉल्यूशन आएंगे, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। लेट एस इज इक्वल टू अ सेट वेयर अल्फा इज, अगर तुम ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, सॉरी, ठीक है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी आएगा, इतना इक्वेशन जो सॉल्व करोगे तो कुछ अल्फा आएगा। ठीक है, मान लो कुछ वैल्यू आई α1, α2, α3, ठीक है, बहुत सारी अल्फा की वैल्यू आई, वही सेट ऐसा है एक तरह से।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम अल्फा निकालोगे, ठीक है? तो जो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही एस है, वही सेट एस है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है? समझ गए बात? देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द इक्वेशन दिस 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 हैज़ रियल रूट, ठीक है? बस अपीयरेंस है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है? बहुत आसान सवाल है। अच्छा, तुमको ये तो पता होगा कि 9 का पावर 2 अल्फ़ा -4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 अल्फ़ा -4। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 का पावर 2 अल्फ़ा -4 का स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो मैं काम करता हूँ 3 का पावर 2 अल्फ़ा -4 को जेड मान लेता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, ये जो इक्वेशन मैं वापस लिखूँगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, log2 z² + 13 - log2 5/2 z + 1 = 0, इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना? रुको, ये इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इज इक्वल टू 2 दे रखा था, ठीक है? सॉरी, ठीक है, तो ये 2 होगा, ठीक है? तो अब वापस इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, z² + 13/5/2z + 1 = 2। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा z² + 13 = 5/2z + 1 = 4, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, z² - 10z + 9 = 0, ठीक? तो यहाँ से z - 9 और z - 1 = 0 आ गया। तो यहाँ से z की दो वैल्यू आ गई, एक तो 9 जिसको 3² लिख सकते हैं, और एक z की वैल्यू 1 आ गई जिसको 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब जब z जो है 3² है, इसका मतलब 3 की पावर 2 अल्फ़ा -4 क्या है, 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब 2 अल्फ़ा -4 2 के बराबर है, इसका मतलब अल्फ़ा 3 है, ठीक है? अब जब जेड 3 की पावर 0 है, इसका मतलब 3 की पावर 2 अल्फ़ा -4 क्या है, 3 की पावर 0 है। इसका मतलब 2 अल्फ़ा -4 क्या है, 0 है। इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो अल्फ़ा की दो वैल्यू आई है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा की दो वैल्यू आ गई, तो सिग्मा अल्फ़ा बिलोंगिंग टू एस, एस सेट क्या हो गया, एस सेट तो ये हो गया ना 2 और 3, ठीक है? तो अल्फ़ा बिलोंगिंग टू एस, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, मतलब 5। और सिग्मा अल्फ़ा बिलोंगिंग टू एस, α+1 का स्क्वायर क्या होगा, 2+1 का स्क्वायर + 3+1 का स्क्वायर, है ना? 25। अच्छा, सिग्मा नोटेशन तो तुम्हें पता है ना, सिग्मा का मतलब है जो जिस चीज़ का सम करना है ना, वो मतलब अल्फ़ा का सम करना है। अल्फ़ा बिलोंगिंग टू एस है ना, एस में तो अल्फ़ा की वैल्यू है ना, उसका सम करना है, वही चीज़ लिखा है, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बन गई, -2 × इसका स्क्वायर दिया है, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 25x + ये 25 बीटा हो जाएगा, 25 बीटा = 0, ठीक है? तो x² - 50x + 25 बीटा = 0 हो जाएगा। तो अगर इसका पॉजिटिव रूट, मतलब अगर इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो कंडीशन लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 गया 0 100 से, ठीक है? तो यहाँ से आ गया बीटा इज लेस देन इक्वल टू 25, इसका मतलब बीटा मैक्स कितना है, 25 है, ठीक है? यही आपका आंसर है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, ठीक है?
लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 60 की पावर 1/4 x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इफ़ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू -30 देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए इज। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है। इसमें आप काम कीजिए, एक अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए सबसे पहले, तो ये -60 की पावर 1/4 आएगा और अल्फा बीटा कितना है, ए है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू प्लस 60 का पावर 1/2। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 60 की पावर 1/2 और -2 अल्फा बीटा है तो उसको -2 ए लिख सकते हैं, अल्फा बीटा को ए रख दिया। अब फिर स्क्वायर कर दो इसको तो ये कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा 60 -4a² ठीक है, -4a इंटू 60 का पावर 1/2। ठीक, अब इतने की वैल्यू तो -30 है दे रखी है ना, और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60 -4a² प्लस आएगा ना, स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस 4a इंटू 60 का पावर 1/2। ठीक है, तब उस साइड ले जाओ सबको तो ये कितना बन जाएगा, 2a² -4 इंटू 60 का पावर 1/2 इंटू ए है ना, प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये तुम ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक लिखी है ना ए में, तो यहाँ से ए की दो वैल्यू आएगी a1 a2। पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए, तो a1 डॉट a2 मतलब a1 इंटू a2 कितना होगा, c/a 45। ठीक है, यही आपका आंसर है 45, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, लेट लैम्डा बी नॉन जीरो रियल नंबर एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 14x² -31x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा कॉमा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 35x² -53x प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में आया था। ठीक है, ये 25 जनवरी शिफ्ट 2 में नहीं आया था, रुको, ये 29 जनवरी में आया था। ठीक है, 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, अच्छा तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अब तुम देखो इन दोनों में ना एक रूट कॉमन है, अल्फा कॉमन रूट है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, लैम्डा एलिमिनेट कर लेते हैं, उससे अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जब अल्फ़ा आ जाएगा तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से बीटा आ जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर तुम यहाँ करना, अल्फ़ा प्लस गामा के लिए एक इक्वेशन बनाना, वहाँ से गामा आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा तो नोन है ना, क्योंकि जब तुम लैम्डा को एलिमिनेट कर दोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें अल्फ़ा पुट कर दो, क्योंकि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, 3 से किया ना, और पहला इक्वेशन को 4 से करो मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों को घटा दो तो ये 49 आ जाएगा और ये -35 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ऐसे अल्फा कितना कितना आ जाएगा, तो 5/7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो गया ना तो अगर तुम इस इक्वेशन में डालोगे तो 3 लैम्डा 0 हो जाएगा, मतलब लैम्डा ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे मना कर रखा है, ठीक है। तो अल्फ़ा का एक ही वैल्यू आया, ठीक है, क्या अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/7, ठीक है। अच्छा तुम पहली इक्वेशन से लिख सकते हो ना अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 31/40। तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, 31/14 -5/7, ठीक है, तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक। दूसरी इक्वेशन में देखो तो अल्फ़ा प्लस गामा लिख सकते हो 53/35, तो यहाँ से गामा कितना आ जाएगा, 53/35 -5/7, तो 28/35, मतलब 4/5, 4/5, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सारे रूट्स आ गए, तो अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 अल्फ़ा अपॉन बीटा कितना हो जाएगा, 3 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आया था, 5/7 आया था, इंटू बीटा, डिवाइडेड बाय बीटा है, डिवाइड करोगे बीटा से तो क्या रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो ये 10/7 आ गया। अब 4 अल्फ़ा बाय गामा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5/7 इंटू 5/4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सही लिखा है ना, तो ये 25/7 आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा 5/7 इंटू, ठीक है। तो अगर हम ऐसी इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स क्या क्या हैं, 3 अल्फ़ा अपॉन बीटा है और 4 अल्फ़ा अपॉन गामा है, तो वो कैसे निकलेगा, वही इक्वेशन ये होगा ना, x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, ये तो 10th क्लास का है, ठीक है। तो x² - सम ऑफ रूट्स करो तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 250/49 आ जाएगा, ठीक है। अब 49 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 49x² - 250 - 5, ठीक है, ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये ऑप्शन में भी था, ठीक है। तो नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो लेट α1, α2, α3 अप टू α7 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x^7 + 3x^5, ठीक है, दिस 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 इज इक्वल टू 0, एंड ये कंडीशन दी है कि मॉड ऑफ α1 इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ α2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, देन ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक तो दिख रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 0 इसका रूट है, तो x कॉमन ले लें अगर अपन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 एक रूट आ गया। अब एक काम करो, बचा हुआ इक्वेशन ये बचाना, इसमें काम करो, x² को t पुट कर दो, तो उसे होगा क्या, ये क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, इसका रूट 3 है, ठीक है, क्योंकि 27 + 27 54 हो जाएगा, -39 - 15 ये भी 54 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 0, तो इसका एक रूट है 3 - t - 3। अब तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टर्स कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे, t³ का रिक्वायरमेंट है ना, तो यहाँ t³ कब बनेगा, जब t² डिवाइड मल्टीप्लाई होगा t से, -15 चाहिए तो +5 यहाँ आएगा, क्योंकि जब 5 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आएगा। अब 3t² का कोफिशियंट देखो,
जब ये -3t² से मल्टीप्लाई होगा तो -3t² जनरेट करेगा, लेकिन हमें +6t² भी चाहिए, है ना, ये एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि जब ये ऐड होगा तब ना यहाँ पे +3 बनेगा। तो +6t² कब बन सकता है, जब ये t इस +6t के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो अब आ गया t -3 t+5 और t+1, ठीक है। तो यहाँ से रूट आ गया t = 3 या -5 या -1। t = 3 मतलब x² = 3, इसका मतलब x = ±√3। अब जब t = -5 है, इसका मतलब x² = -5 है, इसका मतलब x = ±√5 है। जब t = -1 है, इसका मतलब x² = -1 है, इसका मतलब x क्या है, ±i। और x = 0 तो है ही एक रूट, ठीक। अब α1 क्या होगा, α1 ये होगा i√5, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो कंडीशन दे रखी है इन लोगों ने, ये असली में मॉड है। ये मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर रूट कॉम्प्लेक्स हो तो डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड ओरिजिन, ठीक है। तो अल्फा वन का तुम देखो, जो ये रूट है इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, √5 है इसका डिस्टेंस। तो अल्फा वन i√5 हो सकता है, और अल्फ़ा टू क्या होगा, इससे जस्ट छोटा या इसके बराबर है ना, i√5 विथ अ नेगेटिव साइन। दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बोला है ना, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू यही होगा, ठीक है। अब तो इजी है, अल्फ़ा थ्री क्या आ जाएगा, √3 मान लो, अल्फ़ा फोर -√3, अल्फ़ा फाइव क्या है, आयोटा है, अल्फ़ा सिक्स क्या है, -i है, और अल्फ़ा सेवन तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो इतना चीज़ आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब सारे रूट आ गए ना, तो अब निकाल दो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू कितना होगा, करो i²-1 होगा, -1 से वो मल्टीप्लाई होगा तो +1, तो ये 5। अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर कितना होगा, -3, और अल्फ़ा फाइव अल्फ़ा सिक्स कितना होगा, 1 होगा। तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू -α³-α⁴+α⁵-α⁶ कितना हो जाएगा, 5 --3+1 9, ठीक है। 9 आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर विच द इक्वेशन, ठीक है, x²-5αx+1 = 0 एंड x²-αx-5 = 0 हैव अ कॉमन रियल रूट इज़ 3/2 बीटा, देन कंप्यूट बीटा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका कोई कॉमन रूट है, कॉमन रूट मान लेते हैं जेड है, ठीक है। इसमें जेड पुट करो तो z²-5αz+1 = 0, दूसरे इक्वेशन को भी जेड सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दोनों को घटा दो तो कितना बन जाएगा, -4αz, ठीक है, +6 = 0, ठीक है। तो कॉमन रूट जो जेड है वो कितना आ गया, 3/2α, ठीक है, ये कॉमन रूट है। अब ये कॉमन रूट है तो अब सेटिस्फाई करा दो इसमें, किसी भी एक में, इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो सेटिस्फाई कराए तो ये आया -α(x)(3/2 -5 = 0, ठीक है। तो 9/4α² कितना आ जाएगा, 13/2,
ये 2 से 2, ठीक है, अल्फा स्क्वायर आ गया 3/√26, सॉरी अल्फा आ गया 3/√26। तो रियल नंबर अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर विच हैव अ कॉमन रूट। अच्छा, तो अल्फा का वैल्यू ही ये दे रखा है 3/√2β, तो यहाँ से क्या आ गया, √26 इज इक्वल टू 2β रूट के साथ। इसका मतलब 26 इज इक्वल टू 2β, बीटा इज इक्वल टू 13, ठीक है, 13 इसका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच 1√ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, लाइज इन इंटरवल 1,2 एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2,3, ठीक है, तो काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है, 1 कहीं यहाँ लाया करेगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक रूट 1 से 2 के बीच में लाया करना चाहिए, मतलब ये ऐसा ग्राफ इसका बनना चाहिए, और दूसरा रूट 2 से 3, ठीक है, तो कर दो, क्या है इसमें, अब 2 तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही बनेगा, है ना, तो कंडीशन लगा दो, f1 greater than 0, f3 greater than 0 और f2 less than 0, है ना, fx अगर ये है 2x² - 8x + k, ठीक, लगाओ कंडीशन, f1 कितना हो जाएगा, -6 + k > 0, मतलब k > 6, ठीक, पहला। दूसरा कंडीशन लगाओ 3, तो 3 18 - 24 - 6 + k, दूसरे कंडीशन से भी यही आ गया, ठीक, दूसरा। तीसरा लगाओ f2 नेगेटिव, f2 नेगेटिव कितना हो जाएगा, 8 - 16 - 8 + k = 0, इसका मतलब k > 8, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, 6 कहीं यहाँ है 8 कहीं यहाँ है, ये बोल रहा है कि 8 से बड़ा होना चाहिए और ये बोल रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा, इसका इंटरसेक्शन तो इतना पार्ट आया ना, इतना, तो इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा, के बिलोंग टू 6 से 8, है ना। अब इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, सिर्फ एक इंटीजर है, दैट इज़ k = 7, तो k = 7 आपका आंसर है, ठीक है, मतलब एक इंटरवल, ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ठीक है, नोट कर लो, इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे के मैं लिख सकता हूँ ना 8x - 2x², इसको मैं लिख सकता हूँ 2x 4 - x, है ना, ठीक है, तब इसका ग्राफ प्लॉट करो, इस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करो, के बराबर दिस, है ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो इसका एक रूट तो ये 0 पे है ना, एक रूट 0 पे है, और एक रूट कितने पे है, 4 पे है, ठीक है। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, बना दिया है पैराबोला। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, x = 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना इसका, x = 2 पे इसका कितना वैल्यू होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8, ठीक है, और दिस बराबर k दिया है, मतलब इसका ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, अब के का भी तो ग्राफ प्लॉट करोगे,
है ना, वाई इज इक्वल टू के का कोई ग्राफ प्लॉट करोगे और फिर तुम देखोगे रूट रूट क्या होता है। जैसे तुमने मान लो ये वाई इज इक्वल टू के प्लॉट किया, तो दो रूट आए, एक ये आया एक ये आया, ठीक है, ये आया और एक ये आया, ठीक है, ये रूट होता है ना। तो वैसे ही तुमको के वैसे चूज़ करना है कि जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाए कर जाए। मेरे कहने का मतलब है जैसे 1 से 2 के बीच में लाया करना चाहिए ना। तो 1 पे वैल्यू देखो, पैराबोला कितना आउटपुट देगा, 1 पे देगा 6, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 6 1 पे, ठीक। है ना, 1 पे वैल्यू 6, 2 पे वैल्यू 8 और 3 पे वैल्यू देख लो, 3 पे कितना वैल्यू देगा है, अगेन 6 ही देगा। तो हमें ऐसा के चूज़ करना है, ठीक है, ऐसा के चूज़ करना है कि जो दोनों रूट है वो 1 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में आ जाए दूसरा रूट। तो तुम देखो, अगर तुमने ये खींच दिया, मान लो 6 से छोटा खींच दिया, तो एक रूट तो 3 के बाहर चला जाएगा और दूसरा रूट भी जो है वो 1 के नीचे, मतलब 1 से छोटा हो जाएगा, जो कि चाहिए नहीं। लेकिन तुम 6 से 8 के बीच में कोई भी लाइन खींचोगे ना, तो तुम देखोगे कि एक रूट तो 2 से 3 के बीच में है यहाँ पे, और एक रूट 1 से 2 के बीच में है यहाँ पे, और यही डिजायर्ड कंडीशन है। तो 6 से 8 के बीच में, अच्छा तुम के इज इक्वल टू 6 नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर 6 खींच दिया ना तो रूट कितना आ जाएगा, रूट एग्जैक्ट 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और 1 3 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है ना 1 और 3। और अगर एक्स इज इक्वल टू 8 भी खींच दिया ना, एक्स इज इक्वल टू 8 खींच दिया, तो 2 रूट आ जाएंगे को इंसिडेंट एंड दैट आर एक्स इज इक्वल टू 2, है ना, और एक्स इज इक्वल टू 2 भी नहीं चाहिए क्योंकि ये इंटरवल में लाए नहीं कर रहे हैं। तो तुमको 6 से 8 के बीच में कोई भी के का वैल्यू लोगे ना, तो जो रूट है वो 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में होगा, तो के बिलोंगिंग टू 6 से 8, ठीक है। तो तुम ग्राफ से इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आखिरी सवाल था, ठीक है, जनवरी शिफ्ट का। तो तुम देखो, सारे प्रॉब्लम ही इजी थे, मतलब कोई भी ढंग का सवाल नहीं था जो आया था जैन अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, मेहनत करोगे तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाय।